गुड मॉर्निंग साथियों, आपका जीरो लेवल मैथ यानी कि उम्मीदों भरी क्लास, एक ऐसी क्लास जहां से आप पढ़ते नहीं बल्कि सीखते हैं। जी हां, प्रतिदिन यानी कि संडे को छोड़ करके शनिवार को टेस्ट और मंडे टू फ्राइडे रेगुलर लाइव क्लास आप देख सकते हैं सुबह 5 बजे से। उम्मीदों भरी क्लास जीरो लेवल की मैथ, चलिए शुरू करते हैं आगे। उसके पहले आप लोगों की बातों को देखते हुए दो लाइनें, उड़ा देती हैं नींदें जिम्मेदारियां भी, उड़ा देती हैं नींदें जिम्मेदारियां भी, रातों को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। अपने विचारों को इन लाइनों पर अवश्य कमेंट करना, आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आपकी जिम्मेदारी किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो पढ़ाई के प्रति हो, आपके घर के प्रति हो, या फिर आपके काम के प्रति हो, बहुत तरह की होती। जैसे अब आप लोगों की संख्या लगभग 1.5 लाख तक है तीनों चैनल पर मिला करके, हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको मालूम है रात में कितना बजे तक आपकी क्लासें चलती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, ये सब सुबह आप देखते हो, तो वो सब बात अपनी जगह है। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज है बीफ नंबर की क्लास, यानी कि 20 नंबर क्लास होगी। किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालना, और इसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्या का वर्गमूल निकटतम अंकों तक निकालना। ध्यान से देखना, इस क्लास को पूरी देखना, और अगर ज्वाइन किया आपने तो आपको सारी क्लासें मिलेंगी, नहीं किया है तो कर लीजिएगा जिससे बाद में पछताना ना पड़े, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आपको सारी क्लासें मिल सके। तो साथियों, जो पहला टॉपिक है वो तो बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, उससे आसान कुछ होता ही नहीं है। कह रहा किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालना। जैसे हमने आपको दे दिया, अगर वो कौन सा है, ये 62। लाइट ज़्यादा आ रही है क्या? ज़्यादा लाइट जल गई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि 62 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, अब आप बताओ वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आप लोग बता ले जाएंगे ना, नहीं बता पाएंगे, चूंकि 62 का पूरी तरह से वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 16 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आप बता लोगे एक अंक होगा। क्यों? क्योंकि 4 का जो स्क्वायर है 16 होता है, और 16 का जो वर्ग है वो क्या होता है, 4 होता है। इस तरह से इसके वर्गमूल में कितने अंक हैं, वर्गमूल में एक अंक है ना। 62 के वर्गमूल में भी क्या होगा, एक अंक ही होगा, ध्यान से समझना, मतलब पूर्ण अंक, एक पूर्णांक संख्या होगी, बाकी अपूर्णांक होंगे बगल में दशमलव वाले, उनको नहीं। हाँ, अगर मैंने कहा कि 81 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आप जानते हो 9, एक अंक होगा। लेकिन ये तरीका तो तब आप लगा सकते हैं जब आप निकालेंगे तब बता सकते हैं, बिना निकाले कैसे बताएं। कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है और उसके वर्गमूल में कितने अंक हैं, इसको कैसे बताओगे? तो हम लोगों को आज यही सीखना है, क्योंकि साथियों ये कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है। देखना, क्वेश्चन नंबर है मान लो दूसरा, अब बताओ 28, 48, 5 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इतना ही मतलब है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, हमें इतना ही निकालना है, ठीक ना। तो ध्यान से समझना और कोशिश करना एक बार खुद से। देखिए साथियों, जो मुख्य बात है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले वर्गमूल निकालने के पहले हम इन संख्याओं का दाहिनी तरफ से बाईं तरफ को दो दो का जोड़ा बनाते हैं, ये बन गया ना, और जो अंक बच रहा है, अगर अकेले भी बच रहा है, तो उसका भी एक जोड़ा बना देते हैं, और इस तरह से ये जितने जोड़े बनते हैं उसके संख्या के वर्गमूल में उतने ही अंक होते हैं, है ना, कितना आसान। जैसे मैंने पूछा कि 48 ये 37, 3, 5 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो कितना होंगे बता दो जल्दी से, फट से पीछे से जोड़ा बना दो, दो दो का ये लो, 3 अंक होंगे। इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। 28, 48, 5 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। अरे कोई भी चीज़ आप करके देख लो खुद से, जिसको आपको मालूम है उसका करके देख लो, ये लो 144 का आप सभी जानते हो, 144 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, मत निकालो वर्गमूल, पहले दो जोड़ा बनाओ, ये देखो एक दो जोड़ा बना ना, इसका मतलब इसका वर्गमूल में 2 अंक होगा, मतलब 2 अंक कौन कौन, 1 और 2 जानते हो ना, 12 होता है ना 144 का, उसी तरह का आप कोई भी संख्या निकाल लो साथियों, आप सभी को मालूम हो जाएगा
जैसे हम 49,000 का अगर बता दें, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो ये जोड़ा बना लो, 2 अंक होंगे, निकाल लो वर्गमूल, तो क्या आएगा, 70 आएगा। तो ये हुआ पहला टॉपिक, क्लियर हो गया। आप लोग जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक देखते रहना, एकदम मैथ आसान हो जाएगा। और गुनगुनाते रहिएगा, दिल में मेरे कुछ सपने बस वही हैं अपने, मैं करूँगा उन्हें पूरा ये मुझे विश्वास है। आसान है, आसान है, मैथ आसान है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है, मैथ आसान है। और आप इस क्लास को कहाँ देख रहे हैं, PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर देख रहे हैं या फिर मैथ आसान है? अगर आपने मैथ आसान है को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक, तो कर लीजिएगा, जिससे आपको पछताना ना पड़े और आप बड़े ही प्यार से देखते रहें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अब हम देखेंगे दशमलव संख्या का वर्गमूल। एक पहले छोटी सी संख्या ले लेते हैं, फिर बड़ी सी संख्या करेंगे, नहीं तो आपको काफ़ी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। इधर देखना, दशमलव संख्या का वर्गमूल कुछ भी ले लो, जैसे हमने ले लिया 4.81, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। कैसे करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, इसमें पूर्णांक भाग भी होगा, अपूर्णांक भी होगा, आपको वही तरीका अपनाना है जो अभी तक आप करते आए हो, ये 4.81। हाँ, एक काम करना है, इसमें जो पूर्णांक भाग है उस पर तो आप एक बड़ी लाइन खींच दोगे अलग से, ठीक, अपूर्णांक वाले का मतलब सिस्टम अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इन दोनों में तालमेल कोई नहीं रहेगा। और जो इधर बचेगा उसमें आप एक बड़ी लाइन खींचोगे अलग से, इसमें तो कुछ कम मज़ा आ रही होगी। एक सवाल और देखना इसी जैसा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने अगर आपको दे दिया 9 और ये है कुछ भी लिख लो 122, यहाँ पर दशमलव लग गया। आप ध्यान से देखना कैसे करोगे, इसके लिए क्या करते हैं मालूम है, आप इस पूर्णांक वाले नंबर पर तो एक बड़ी लाइन खींचोगे, ये ठीक है। अब सवाल उठता है, यहाँ पर 3 अंक है तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, एक अकेला बचेगा और वो कौन बचेगा, तो पूर्णांक वाले पर दाहिनी तरफ से हम लोग जोड़ी बनाते हैं। इधर देखना, एक और एकदम क्लियर हो जाए, जिससे देखो जिसमें दशमलव नहीं लगा होता है ये, या फिर मान लो लगा भी है, तो इसमें क्या करते हैं हम, दशमलव के जो पहली संख्या है उसमें पीछे से जोड़ा बनाते हैं। ये देखो, इसमें यहाँ से बनाएंगे और फिर इधर को आएंगे, इसमें बनाएंगे एक अंक का, ये तरीका है। लेकिन जो दशमलव के बाद वाला है ना, उसके लिए जो पेयर बनाते हैं वो इधर से बनाते हैं, मतलब किधर से, अरे यार इधर उधर नहीं, बायां साइड से, लेफ्ट साइड से। तो ये लेफ्ट साइड इधर है ना, तो पहले 2.9 का बन जाएगा और फिर 7 का बनेगा। इसकी एक ख़ास बात ये भी होती है, अगर इसमें कोई एक अंक लास्ट में अकेला बच रहा है ना, तो उसके बगल में आप 0 उतार लो, कोई समस्या नहीं है, बगल में आप 0 उतार सकते हो। बात समझ में आई ना, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये भी एक पूर्ण अंक हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 0.07 हमने लिखा और 0.7 लिखा है, इन दोनों में अंतर है ना, है कि नहीं है? लेकिन अगर हमने लिख दिया 0.70, अब बताओ ये दोनों एक समान है कि नहीं, है ना, इसका मतलब भी 70 पैसा हुआ, इसका मतलब भी 70 पैसा हुआ। देखिए, चीज़ों को पढ़िए नहीं, उन्हें घोल के पी जाइए, एकदम हजम कर लीजिए कि कभी वो आपसे दूर हो ही ना। तो बस यही सब होता है, छोटी छोटी बातें जो आपको बड़ा बनाती हैं, बात समझ रहे ना। चलिए फिर आगे चलते हैं, तो हमारा सवाल तो यही एक था, लेकिन इतना बड़ा ये पंचाल हमने इसलिए किया जिससे आपको समझ में आ जाए। और फिर आगे क्या कहना, चलिए सवाल करते हैं। कक्षा 8 का NCERT मैथ में अभ्यास 2E का कॉन्सेप्ट होगा, जिन अभ्यर्थियों को कक्षा 8 की गणित पढ़ना है अगर इसको पढ़ लेंगे तो अभ्यास 2E का सारे सवाल वो लगा ले जाएंगे, हम एक तरफ से सवाल नहीं करवाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको एकदम रटाएंगे नहीं, सिखा देंगे। चलिए, आप कोई एक ऐसी संख्या लो जिसका वर्ग करने पर 4 आ जाए या 4 के बराबर आ जाए। तो विश्वविख्यात है, आप लोग जानते हो कि 2 का वर्ग क्या आता है, 4 आता है, तो ऊपर भी 2 बढ़ेगा, इसको घटा लोगे ये ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब ख़त्म। एक जोड़ा जो इधर है इसको उतार लो, इधर इसको जोड़ लेंगे, अब क्या करेंगे, अब हमें 81 में ले जाना भाग। लेकिन ध्यान देना, ये जो आपने जोड़ा उतारा ना, दशमलव के बाद का है, तो यहाँ पर दशमलव लगा देना, तभी कुछ करना आगे, ठीक।
अब देखो अगर एक बार ले जाएंगे तो एक बार ले जाने का मतलब है 81, यहाँ पर आएगा 41, आएगा ना। अगर दो बार ले जाएंगे तो 2 × 4, 2 × 4, 8, कितना आएगा? दो बार ले जाने पर भी ज़्यादा लग रहा है यार ये तो, है ना, कितना आएगा करके देख लो। दो बार ले जाओगे 84 आएगा हमें लग रहा है, कितना आएगा 84 आएगा, और 2 × 4 और 2 × 4, 8, ज़्यादा हो रहा है ना। दो बार नहीं जाएगा, वन बार जाएगा, कन्फर्म है ये। अब आगे देखना कैसे जाएगा वन बार, ये भी देख लेना। यहाँ पर वन बार ले जाओगे तो ये 41 हो जाएगा, और इसको सबट्रैक करोगे 0 और 8 से 4 जाएगा ये 4, इसको ऐड कर दो 2 और ये 4। अभी आगे देखना इसमें क्या होता है, ध्यान देना, ठीक ना। और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, मतलब समझना। देखिए इसमें करना कुछ ज़्यादा है नहीं, आपका आंसर लगभग आ चुका है, देख लो। अगर कोई संकोच है तो फिर बताओ जल्दी से, तुरंत नोट करिए फट से, यही इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि इसका जो वर्गमूल है वो 0.3 अंक तक निकालो, 2 अंक तक निकालो, 5 अंक तक निकालो, तब आप थोड़ा सा इसमें बढ़ा देंगे। लेकिन अभी हम आपको वो नहीं बताने वाले हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे, ध्यान देना। अभी ये इसका आंसर इतना ही हो गया, यानी कि फाइनल में आप इसका वर्गमूल लिख सकते हो 2.1 आ गया। ठीक, ये बात समझ में आई। आगे देखना अगला क्वेश्चन, इसमें देखो इसमें क्या करना है। इसमें भी आप इधर साइड से क्या करोगे, जोड़े बनाओगे। लास्ट में जो 2 अकेला बच रहा है ना, उसके भी आप जोड़े बना देंगे और इसके बगल में आप 0 रख लेंगे, जैसे अभी बताया था ना। अगर अपूर्णांक वाला भाग जो है अकेला बच रहा है लास्ट में, तो उसके पीछे आप 0 लगा के उसका जोड़ा बना लो। इतना ही नहीं, इसके बगल में आप कितना भी 0 लगा के ये जोड़े बना सकते हो, ये बिल्कुल वैलिड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अरे आप ऐसे भी समझ लो, जैसे कहा जाए 1 रुपया 50 पैसा, तो 1 रुपया 50 पैसा है, अगर इसके बाद कितना भी 0 लगा दो तो ये 50 पैसा ही रहेगा, 5 लाख नहीं हो जाएगा। बात समझ में आई ना, चूँकि ये क्या है, ये खुद ही क्या है, अपूर्णांक है, पूर्णांक संख्या नहीं है, इसका कोई मूल रूप खुद ही नहीं है, मतलब ये 0.5 के बाद का है, समझ गए। तो इसका मतलब केवल 50 पैसे तक ही होगा, उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होगी, 0 चार्ज इतना बढ़ा लो पीछे। बात समझ में आई ना, आगे देखना। जैसे एक प्रकार से कहते हैं ना, परीक्षा में आपको नंबर मिल गया, मान लेते हैं 100 में से 40 नंबर मिल गया, आप घर ला करके उसको 85 नंबर बना लो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ गए ना, तो वैसे ये भी है। अब जो हमने ये बढ़ाया था इसको मिटा देते हैं, इसको तब बढ़ाते हैं जब इसमें कंडीशन दी होती है कि इसका वर्गमूल 0.3 अंक तक निकालिए, 5 अंक तक निकालिए, तब ये करते हैं। अगर आपने कक्षा 8 वाली मैथ का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना जितना भी है, तो वर्गमूल में आप एकदम मास्टर बन जाओगे, कैलकुलेटर। लेकिन पूरा पढ़ना ध्यान से। अब ये कितनी बार जाएगा, 9 में। ये बताओ कोई ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर 9 के आसपास आ जाए या 9 से ज़्यादा हो जाए, तो वो सभी जानते हो कि 3 हो जाएगा। तो ये देखो 3 हो गया, इसको जोड़ दोगे तो ये हो गया 6, इसको घटाने पर हो जाएगा ख़त्म। अब क्या करोगे, एक दूसरा जो जोड़ा बन रहा है ऊपर 1 2 वाला, उसको उतार लो। अब 6 है ना, ये क्या है, ये 6। लेकिन याद रखना 0.5 के बाद का जोड़ा उतारा, इसलिए यहाँ पहले 0.5 बढ़ा देना है, उसके बाद चाहे जो करना है। अब देखिए अगर हम एक बार ले जाएंगे, यहाँ पर एक बार ले जाएंगे तो क्या होगा, 61 आ जाएगा। 61 इससे ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हमें दोनों जोड़े उतारने पड़ेंगे ना। दोनों जोड़े अगर आप उतारेंगे तो बताइए क्या होगा। जैसे आपने वो भाग वाला पढ़ा है ना, अगर ऊपर से कोई 2 अंक उतारते हैं तो नीचे 1 0 बढ़ा देते हैं, वैसे होगा। यहाँ से 1 अंक अगर हम ले जाते हैं वन बार, तो ये क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। देखो 61 हो जा रहा है, उससे ज़्यादा हो जा रहा है ना, इसका मतलब वन बार जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा ये। इसको सीधा सीधा ऐसे कह दो, 0 मत बढ़ाओ, आप 0 बार ले जाओ। हाँ, एक आध बार तो ले जाना पड़ेगा ना, 0 बार ले जाओ, तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये फिर से क्या आ जाएगा, वही 1 2 12 आ जाएगा। बात समझ में आई ना। अब क्या करोगे, इसको जोड़ लो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही, ध्यान देना। पहले कितना था, ये 6 था। देखिए एक बात यहाँ ध्यान देना, अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से उतार लेंगे नंबर, इस तरह से क्या बन जाएगा, इधर 1220 बन जाएगा, इधर 60 बन जाएगा। अब आप 6 का भाग ट्राई करो, 12 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा ना, इसलिए टोटल भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा। और ये 2 × 4 0 और 2 × 6
12। बात समझ में आई? 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12। देखो ये लगभग इसके आसपास आ गया, यहाँ 16 आ गया, इसको जोड़ लोगे 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब 2 बार गया ना। बात समझ में आई ना? अब देखो ये 604 बहुत बड़ा हो गया, इसकी अकॉर्डिंग ये मात्र 16 बचा है, यानी कि इसका जो आंसर हो गया वो 3.02 हो गया। अगर आपको कहा जाए कि इसका वर्गमूल दशमलव के 3 अंक तक निकालो, 4 अंक तक निकालो, 5 अंक तक निकालो, तो आप इधर ऐसे और भी जोड़ा बना लेंगे ऐसे 0 0 वाले, फिर आप कितना भी अंक तक निकाल सकते हो, नीचे 0 उतारते जाओ, जोड़ा 0 वाला। बात समझ में आई ना? लेकिन उसको हम आपको आगे बताएंगे, यहाँ पर हम आपको सिर्फ और सिर्फ सामान्य तरह से वर्गमूल करना बता रहे हैं दशमलव वाली संख्याओं का। तो जल्दी से इसको खट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, हो चुका ये क्लियर, ठीक ना? जैसे हम आपको बोलें तुरंत झट से आप स्क्रीनशॉट निकालिए वीडियो का, या फिर तुरंत स्क्रीन पर टच करिए और वीडियो को रोक लीजिए। अगर खुदा ना खास्ता छूट गया, हमने पहले मिटा दिया, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, और जैसे आप पीछे करेंगे आपको फिर दिख जाएगा वही बातें, आप फिर से सुन सकते हो वीडियो को पीछे करके। इसलिए ना समझ में आने पर वीडियो को पीछे करके फिर से समझ लो। तो ये छोटी छोटी संख्याएं हो गई, अब हम बड़ी बड़ी संख्याओं को देखेंगे। चलो जल्दी से फटाफट लग जाओ। 4.6225 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। 4.6225 इसका क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। बस लाइन में आ जाओ तुरंत, बहुत जल्दी आएगा ये, बहुत ही आसान है। 4.62 और 25, ये 2 डिजिट का क्या बन जाएगा? पेयर बन जाएगा। काट लो, जैसे आप लोगों ने सीखा है वैसे ही वर्गमूल निकालना, तो पहले से बताया हूँ ना, केवल जोड़ा बनाना इसमें बड़ी बात होती है। बस दशमलव के दाहिनी साइड के अंकों का जोड़ा का हिसाब अलग करते हैं, बाईं साइड वाले का अलग करते हैं, ये याद रखना बस। अब ये 2 बार जाएगा लगभग, क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, ऊपर भी 2 जाएगा। देखो पूर्णांक संख्या ख़त्म हो गई, अब जो आएगा अपूर्णांक वाला आएगा, दशमलव के बाद वाला, इसलिए यहाँ दशमलव बढ़ा लो, जो भी उतरेगा दशमलव के बाद वाला। 2 2 जुड़ जाएगा, 4 हो गया, इधर 6262 उतार लीजिए। एक बात मैं आपको और बता दूँ, इस क्लास को आज किसी को शेयर मत करना, अन्यथा आपकी ज्वाइनिंग रद्द कर दी जाएगी। आज ये क्लास प्राइवेट होगी, कल इसको कोई नहीं देख पाएगा, आप लोगों जो ज्वाइन किए हैं 300-400 जो भी, उनके अलावा कोई नहीं देख पाएगा। अगर कोई शेयर करता है चुपके से या किसी भी तरह से, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप क्या करोगे? अब इसमें एक काम कर सकते हो, देखो ये 62 हो गया ना, ये 4 हो गया, अब कितनी बार जाएगा? लगभग 1 बार जाएगा, अब भी कोई दिक्कत नहीं, ये देखो 1 बार जाएगा, तो 1 बार ले जाओ, यहाँ पर 41 आएगा, सबट्रैक कर लो 1 और ये 2, 21 आया ना, ऐड कर लो 2 और ये 4, अब देखो 21 ऊपर, अभी तो कुछ बचा है ना, ये 25 वाला बचा है, इसको भी उतार लो। अब आप एक बात गेस करिए कि 4 का टेबल इसमें कितनी बार जाएगा 21 में, 4 का टेबल 21 में कितनी बार जाएगा भाई? 4 का भाग 20 में 5 बार जाएगा लगभग, जाएगा ना? तो इसमें का एक अंक, इसमें का 2 अंक लेकर के हम ट्राई कर रहे हैं, तो 5 बार जाएगा, तो आप भी 5 बार ले जाओ और ट्राई करो, देखो लगभग में आएगा। 25 हासिल आया 2, 5 × 2 = 10, 2 = 12 हासिल आया 1, 5 × 20 21, देखिए भगवान जी की कृपा से ये पूरा पूरा एकदम वही हो गया और पूरा पूरा बैठ गया, बात ख़त्म। ऊपर 5 गया था, ये 5 हो गया। इस तरह से इसका वर्गमूल जो हो गया वो 2.15 हो गया, एकदम क्लियर। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और जल्दी करिए। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, आपको पूरा मौका देते हैं, इतना मौका आपको कहीं नहीं मिलता होगा लिखने का। क्वेश्चन नंबर अगला लिख लो, जल्दी करो। 0.0000 बहुत सारा जीरो है इसमें, 3 बार है, और फिर है 53361, लेकिन ये ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा, गलत है ऐसा पढ़ना, इसको पढ़ेंगे 53361। दशमलव के बाद जो होता है, एक बात यहाँ गौर से समझ लो, इसको आप 53361 नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो 53000 है ही नहीं, 53000 है नहीं है ना, वो 1 से भी कम है, क्योंकि इधर देखो 0 है ना भाई, ये 0.532 है, तो क्या इसको 0.532 पढ़ोगे? 532 कतई गलत है, ये 1 रुपया के बराबर भी नहीं है, इसको 500 कैसे पढ़ोगे? ये तो अपूर्णांक संख्या है, ये 1 भी रुपया के बराबर नहीं है, ये लगभग 50 पैसे के बराबर है, 50 पैसे के बराबर है, तो इसको आप 500 कैसे पढ़ सकते हो? गलत है, इसको आप पढ़ेंगे 0.532।
तो सामान्य बोलचाल में लोग बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है। अब इसका हम लोग निकालेंगे वही जो करने के लिए आप लोग देख रहे हो सुबह सुबह। और हाँ, आपको एक बात बता दें, अगर आपको सारी क्लासें नहीं मिलती ना, तो आप क्लास को अवश्य ज्वाइन कर लेना। याद रखना, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों की शिकायतें आती हैं कि हमें क्लास नहीं मिल पाती है। ये जोड़ा बनाना था, मैंने बना दिया, जोड़ी बन गई। जोड़ी नहीं, सब पेयर बोलो इंग्लिश में। पेयर मतलब अच्छा, एक ही मतलब होता है। इंग्लिश में अलग अलग वर्ड हैं। देखिए, जोड़ा बनाना या जोड़ी के लिए इंग्लिश में अलग अलग वर्ड हैं, पेयर, कपल। हिंदी में क्या, जोड़ा मतलब जोड़ा, बस समझ गए ना। तो उसमें अलग अलग वर्ड का अलग अलग मतलब भी होता है। अब इसको आप भाग ले जाओ, देखो यहाँ पे एक जीरो है, फिर जीरो फाइव वाला है ना। तो पहली बार अगर आप इसमें ले जाओगे जीरो में, तो लगभग कितनी बार जाएगा, जीरो बार जाएगा। यहाँ पर भी आप कर लो, पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं, काहे लिए झंझट रहे। ये जीरो जीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप जीरो उतार लो या ना उतारो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप जीरो फाइव उतार लो। कितना उतार लें, जीरो फाइव। ध्यान देना, जो मैंने जीरो फाइव उतारा है, और पहले भी ध्यान देना, सॉरी एक मिनट। देखो, पहले हम इस जीरो में ले गए हैं, अभी थोड़ा सा रुकना। ये तो अकेला जीरो है ना, इसमें भी कर लो, प्रक्रिया पूरी कर लो। क्या करना है, ये पहले इसमें जाएगा। अब इसको आप सबट्रैक करोगे, जीरो से जीरो गया, लिखो या ना लिखो, मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ये इतना हो गया। दूसरा वाला जीरो जब आप उतारोगे, तो ये दशमलव के बाद वाला है, इसलिए आप यहाँ दशमलव बढ़ा लोगे, और फिर इसको जोड़ लो, तो जीरो हो गया फाइनल में। और फिर क्या होगा, इसमें आप जाएंगे भाग लेकर के। ये देखो, मैं पूरा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, वैसे ये करने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन समझना। तो ये सब ख़त्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या कहते हैं, घटता है तो फिर भी जीरो ही आएगा, बात ख़त्म। ये घटेगा तो जीरो ही तो आएगा। अब ये जीरो और फाइव हमने उतार लिया, अब बात यहीं से शुरू होती है। यानी चार में आपको कोई ऐसी संख्या का वर्ग करो जिसका वर्ग करने पर फाइव या फाइव के लगभग में आ जाए, तो वो हो जाएगा टू। टू का वर्ग करके देख लो आप लोग, टू का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, फाइव के आसपास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टू टू जा फोर। सबट्रैक कर लो, वन आ गया, इसको ऐड कर लो, फोर हो गया। अब हमने जीरो फाइव वाला पेयर उतारा था, जीरो थ्री थ्री वाला, सॉरी थ्री थ्री वाला उतार लो, थ्री थ्री वाला उतार लिया, 133 हो गया, इधर फोर हो गया। अब आप कितनी बार ले जाओगे, चार का भाग तेरह में कितनी बार जाएगा, चार का भाग तेरह में तीन बार जाएगा, चार तीन बारह, और उस तरह से आप तीन बार इसको भी फिर ले जा सकते हो। देख लो ट्राई करके, ज़्यादा ना हो तो, तीन त्रिका नौ, तीन चौक बारह, इस तरह से चार आ गया, ये छः और चार 46 आ गया। आगे देखना, एक जोड़ा लास्ट में बच्चा है जो 61, इसको भी उतार लो। अब देखो वन बार जाएगा, सीधा सीधा आ गया, पूरा पूरा मिल गया, और हमने सब कुछ लिखा था ऊपर, तीन बार गया था ना, और फिर वन बार। देखो कितना आसान है ना, बहुत आसान है ना, भाग विधि बहुत ही आसान है, और जितनी ज़्यादा अड़बड़ी संख्या हो ना, उतना ही आसान उसका उत्तर आता है। ये देखो, 0.00053361 का वर्गमूल 231 आ गया, आपके सामने दिख रहा है ना। जल्दी करिए, नोट करिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है, चूँकि क्लास जो है वो 30 मिनट के ओवर नहीं हो सकती है। रिकॉर्ड वाली क्लास की बहुत बड़ी हमारे पास मजबूरी होती है कि वो 30 मिनट के ऊपर नहीं जा सकती है, उसकी कुछ इशू हैं जो कि हम आपको यहाँ पर समझा नहीं सकते, बहुत टाइम लगेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखना। देखिए लाइव क्लास आप देखिए, 8 बजे से कक्षा 10 वाली जो लाइव क्लास होती है, वो लगभग घंटों की होती है, एक घंटे से कम होती है। अगला देखना, हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल आप सभी जानते हो कि आप लोगों को अंडर रूट के मान रटाए जाते हैं, कि भाई याद कर लो, अंडर रूट टू का मान जो है वो 1.414 लगभग होता है, अंडर रूट थ्री का मान जो है 1.73 लगभग कुछ होता है, ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन आता कैसे मालूम है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर, अंडर रूट टू का मान, और यहाँ पर हमें कहा भी गया है कि तीन स्थानों तक निकालिए, का मान दशमलव के तीन स्थानों तक, निकटतम तीन स्थानों तक लिखा जाता है, लिख लेना, का मान दशमलव के निकटतम तीन स्थानों तक ज्ञात कीजिए। चलिए, तीन स्थान तक निकालना है ना, एक बात ध्यान रखना, दशमलव के तीन स्थान तक, कहने का मतलब
कि अगर ऐसे 1.4325 कुछ भी आता है, ये ऐसे आएगा लगभग, ख़त्म तो होगा नहीं आसानी से, तो हमें केवल 3 अंक तक निकालना है बस, उसके आगे नहीं करना है, इसका ये मतलब हुआ। लेकिन ये 3 अंक तक होगा कैसे, ये तो हमारे पास केवल 2 ही है, अकेले 2 है, बाकी कुछ है नहीं। उसके लिए क्या करते हैं मालूम है, इसके बाद में दशमलव बढ़ा करके जितना अंक तक बोला रहेगा उससे एक अधिक जोड़ा बना लेंगे। 3 अंक तक बोला था तो हम 4 जोड़ा बना लेंगे। ये आप हर एक नंबर में कर सकते हो, ये इनवैलिड नहीं है, वैलिड है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि इसका मान तो 2 ही होगा ना भाई, मैंने कोई चेंजिंग थोड़ी किया है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है, ठीक ना, ये मैथ का रूल है। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, इसका वर्गमूल आपको दिखा देते हैं कैसे आता है ये मान और कैसे आप लोग कन्फ्यूज होते हो। ये लो, ये जोड़ी बन गई इसकी। बताइए कोई एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर 2 या 2 के आसपास आए, तो वो संख्या है 1। 1 का अगर आप वर्ग करोगे तो 1 आएगा, सबट्रैक करोगे 1 आएगा। हाँ, ये जोड़ लो, 2 आ गया। अब क्या होगा, ये ज़्यादा है ये कम है, अब ऊपर से एक जोड़ा उतार लो, लेकिन जोड़ा उतारने से पहले यहाँ दशमलव अवश्य बढ़ाना, ठीक। अब 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा ना, लेकिन यहाँ अगर आप 5 बार ले जाओगे तो पता है कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा। वर्गमूल तो आप सीख ही गए हो, अब तो आपको सिखाना है नहीं। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, घटाने पर 4 आ गया, जोड़ लो ये 8 आ गया, ये 2, ठीक। हमने पहला जोड़ा उतार लिया था, दूसरा जोड़ा उतार लो, ऊपर से कितने भी 0 के जोड़े उतार सकते हो अनगिनत, कोई टेंशन नहीं। अब कितनी बार जाएगा, 28 का भाग आप छोड़ दो, 4 में देखो 2 का भाग, 4 में 2 का भाग कितना जाएगा, 4 में 2 का भाग, लेकिन इसको नहीं ट्राई करेंगे, चूंकि ये 4 3 अंक है, ये 2 अंक है, तो 3 अंक है और ये 2 अंक है, तो आप 28 का भाग 400 में देखोगे, 28 का भाग 400 में अगर आप देखोगे लगभग 4 बार जाएगा, 4 बार करके देख लो। ये 4 चौक 16 हासिल आया, 1 4 8 32, 1 33 हासिल आया कितना, 3, और 4 दूना 8 3, यार गड़बड़ हो रहा है क्या, एक मिनट रुकना, 1 बार गया, उसके बाद 4 बार गया ना, तो मैंने यहाँ 4 तो लिखा नहीं था, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ अगर 2 बार भी ले जाओगे, 4 बार तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 4 बार तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा जी, 1 बार जाएगा ये। वर्गमूल निकालना तो आप सभी को मैंने अच्छे से बता दिया ना, इसके लिए टेंशन मत लेना, केवल यहाँ जो बताना चाहते हैं उसको देखना। 1 बार जाएगा, घटा लो इसमें से, 10 में से गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से ये जाएगा 2, तो 1 आएगा, 119। इसको जोड़ लो इधर साइड में, देखिए वर्गमूल निकालना हमने पीछे कई क्लास में बता दिया, इसलिए टेंशन मत लेना, अगर कुछ थोड़ा सा आर्ट कर देते हैं तो। ये 1 2 3 जोड़े हमने उतार लिए हैं, ले जाओ इसमें फिर से, कितनी बार जाएगा देखो, 1 बार गया था ना ये, 2 अंक तो हो गया, 3 अंक तक बोला था। अब आप यहाँ पर एक बात ये ट्राई कर लो कि 2 का भाग 11 में कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा ना, कितनी बार जाएगा, लगभग में 5 बार जाएगा, है ना, तो 5 बार ले जाके देख लो, यहाँ पर 5 बार ले जाओगे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ पहले से, चूँकि इसको हमने इसके पहले आपको कई बार बताया, हमें याद है, तो इसको आप 4 बार ले जाओगे तो ये सही बैठेगा। ये सब हम कैसे समझ जा रहे हैं कितनी बार जाएगा, चूँकि इसको हमने कई बार आपको पढ़ा है इसलिए मुझे याद है, आप लोग 5 बार कर लेना ट्राई, ज़्यादा आएगा उससे देख लेना। तो ये 4 बार ले जाओगे तो ऊपर भी 4 बढ़ा देना तुरंत, ठीक, बात समझ में आई ना। आप यहाँ पे ले जाओगे 4 चौक 16 हासिल आया 1, 4 दूना 8 1 9, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, घटा लीजिए इसमें से, घटाओगे कितना आएगा, लगभग 600 आसपास आएगा, देख लो 10 में से 6 गया 4, नीचे दिख नहीं रहा है क्या, नहीं दिख रहा है बताना, थोड़ा सा कम है ना, दिखेगा दिखेगा कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा कम है। फिर ये 9 में से ये जाएगा 9 तो 0, और ये बचा 8, 8 से 2 गया तो 6, 604 आया ना, इधर जोड़ लो तो 8 आएगा
और ये दो आएगा, फिर आठ आएगा, फिर दो आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगली बार इसमें एक बार और जाएगा, अभी एक जोड़ा उतार लोगे तो यहाँ पे दो बार जाएगा, बस इतना ही आता है। करके देख लेना, वर्गमूल निकालना बहुत बार सिखा दिए इसलिए मैं और आगे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक ना। 18 नंबर क्लास, 19 नंबर क्लास और ये 20वीं नंबर क्लास है, तीनों में केवल वर्गमूल चला है, ठीक। तो हाँ, अब मतलब की बात देखना, जो हमें बताना था वो ये था, कह रहा कि इसका वर्गमूल दशमलव के तीन स्थानों तक निकालिए, निकटतम तीन स्थानों तक। तो हम पहले चार स्थान तक निकालेंगे, फिर उसको डिफाइड करेंगे। आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में सार्थक अंक, अगर नहीं जानते तो समझ लीजिएगा। जहाँ तक हमें निकालना है उसको तो देखना ही है, उसके बाद का अंक हमें ध्यान से देखना है भाई, अपने पड़ोसी को। तो वो पड़ोसी साहब हैं दो, अब यहाँ पर इनकी तुलना की जाती है पाँच से। अगर ये अंक यानी कि दो जो आया है, यानी कि जहाँ तक निकालना है टारगेट, उसके बाद वाला जो अंक है यानी कि दो, अगर वो अंक यानी कि ये दो, इसमें एग्जांपल बता रहा हूँ, पाँच के बराबर आए या पाँच से अधिक आए, तो उसके पहले वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। यानी कि अगर ये इतना हो जाता 4.415, अगर ये दो ना होता, पाँच होता तब ठीक, अगर ये सात होता या नौ होता, कुछ भी होता, पाँच या पाँच से अधिक होता, तो इसका उत्तर 1.415 इतना आता। लेकिन संयोग बस ये दो है, दो देखो पाँच से कम है ना, पाँच से कम है ना, इसलिए इसके जो अंक है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसको ऐसे उतार लेंगे, ये उत्तर हो जाएगा। और इसीलिए आप लोग रटते आते हो कि भाई अंडर रूट टू का मान 1.414 होता है, फोर तो कोई बताता ही नहीं, अंडर रूट 1.41 है ना, 1.41। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो आपने सीख लिया साथियों। आज के लिए बस इतना ही, चूँकि ये क्लास इसके आगे नहीं जाने वाली है, 33 मिनट के ऊपर ये क्लास होगी नहीं, और चलते चलते झट से रुक जाना एक मिनट बस, आप व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो फिर चलते हैं। देखिए साथियों, ये क्लास ओवर हो चुकी है। जिन लोगों को रेगुलर क्लास करना है, वास्तव में मैथ सीखना है, मैथ में कुछ भी नहीं आता, गणित बहुत कमज़ोर है, वो अवश्य पढ़ सकते हैं आसानी के साथ। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, केवल 549 रुपये का एक बार पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो सारी क्लास आपको व्हाट्सअप पर मिलेगी, सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल ना करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें और देखते रहें PBR स्टडी को। व्हाट्सअप के अलावा आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो और लाइक अवश्य करें, जिससे कि आप अप टू डेट रह सकें और फ्री वाली क्लास हर जगह अटेंड कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद। बस इसके आगे टाइम इजाज़त नहीं देता है, चूँकि 33 मिनट के आगे ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं होने वाला है, 4 GB से ज़्यादा इसका साइज हो जाएगा वीडियो का, तो केवल 4 GB फाइल मतलब रिकॉर्ड हो सकती है। ये वीडियो अब 4 GB का हो चुका है। शुक्रिया, फिर से अगली क्लास में मिलते हैं 6 बजे।